नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है कोरोमंडल एक्सप्रेस। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यह गाड़ी कहां से कहां तक चलती है, कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुँचती है। साथ में इसके रूट और कोच और किराया की भी जानकारी देंगे। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 12841 है। यह गाड़ी शालीमार से चेन्नई MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच में रोजाना चलती है। शालीमार से चेन्नई सेंट्रल के बीच की दूरी 1659 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 25 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। इस गाड़ी को दक्षिण पूर्व रेलवे जोनल ऑपरेट करती है। इस गाड़ी की पहली सेवा 6 मार्च 1977 को आरंभ हुई थी। यह गाड़ी शालीमार से चलकर खड़गपुर जंक्शन, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड जंक्शन, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा होते हुए MGR चेन्नई सेंट्रल को जाती है। यह गाड़ी शालीमार से दोपहर 3:20 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 25 घंटा 40 मिनट का यात्रा तय करते हुए MGR चेन्नई सेंट्रल को दूसरे दिन शाम 5:00 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमिक क्लास और स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगे हुए हैं। इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि शालीमार से चेन्नई सेंट्रल के बीच तक का है, फर्स्ट एसी 4,460 रुपया, सेकेंड एसी 2,625 रुपया, थर्ड एसी 1,825 रुपया, थर्ड इकोनॉमिक क्लास 1,715 रुपया, स्लीपर क्लास 695 रुपया, जनरल टिकट 410 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।